तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। अब मेरे को नहीं पता कि अभी मैं गुड मॉर्निंग बोलूं या क्या ही बोलूं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के ढाई। कल मैं बहुत जल्दी सो गया था, 6-7 बजे सो गया था और तब से फिर पूरी रात भर सो ही रहा था। अब मेरी नींद खुल गई है। अब क्योंकि मैं उठ ही गया हूं तो मैं सोच रहा हूं कि एडिटिंग कर लेता हूं। सुबह 5 बजे तक निपट जाएंगे, 2 व्लॉग्स एडिट करने हैं मेरे को, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो क्लास लेने बैठ जाऊंगा। और गाइस, आप लोगों को एक चीज बताता हूं, हमारे घर के तकियों के नीचे क्या मिलेगा। ये तकिया है, जनरली लोग तकियों के नीचे रखते हैं, जैसे सामान हो गया, छोटा मोटा पैसे हो गए या कुछ हो गया, कोई ऐसी चीज जो बहुत प्रेशियस हो, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं रखते हमारे तकिए के। आपको नीचे पता क्या मिलेगा? चुटकी का एक पूरा का पूरा ये रैपर। चलो भाई, तुम सेफ हो, चुटकी यू आर सेफ नाउ। तो गाइस, अभी जस्ट मैंने अपना व्हाट्सएप चलाया, ओपन किया तो उसमें मैसेज वगैरह आया, तो मनन का मैसेज आया रात के 1 बजे का, तो चैन नहीं है रात को, 2 बजे का, सॉरी 2:30 बजे का, अभी का जस्ट। उसने मेरे को एक व्लॉग भेजा है, बेसिकली आज अच्छे से करेंगे व्लॉग, टुडे वी विल डू। आप लोगों के दोस्त भेजते हैं मोटिवेशनल कोट्स, ये करेंगे वो करेंगे, या वी विल मेक मनी, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। मेरे दोस्त मेरे को भेज रहे हैं आज अच्छे से करेंगे व्लॉग। खैर, मजाक में भेजा था उसने, ऐसा मत सोचना कि हम दोनों एक दूसरे को ये सब चीज़ें भेजते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, 4.3 मिलियन व्यूज है उस वीडियो पे, और ये मनन जैसे लोग ही बढ़ा रहे हैं उस वीडियो के व्यूज। इसमें कुछ भी नहीं है, ये दोनों बंदे बकवास ही कर रहे हैं लोग, लेकिन इसमें 4.3 मिलियन व्यूज है इसके, और वो भी 4 हफ्तों में। चलता है ब्रो, चलता है, ये सब चलता है। मनन, अपन दोनों भी कर लेके ऐसे ऐसे लेट के एक ऐसे व्लॉग निकाल देते आज अच्छे से, चल जाएगा अपना चैनल, लेट हो जाएगा। तो गाइज, ऑलमोस्ट 2 व्लॉग्स की एडिटिंग हो गई है, 90% हो गई है। तो अब बस 5 भी बजने वाले हैं, 10 मिनट ही, और 5 बजे क्लास चालू जाएगी, तो बस अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर लेते हैं अपनी क्लास। तो गाइज, फाइनली जो लोग मैनचेस्टर सिटी के फैन है वो खुश होंगे, क्योंकि अर्लिंग हालैंड की पहली हैट्रिक भी आ गई। अभी तो आए हुए कितना ही टाइम हुआ, अभी तो सीजन चालू हुए कितना ही टाइम हुआ, इस बंदे ने पहली हैट्रिक भी कर दी। मेरे को मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल नहीं पसंद वो टीम, लेकिन अर्लिंग हालैंड का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मेरे को एम्बाप्पे से भी ज्यादा अच्छा अर्लिंग हालैंड लगता है, ये धमाल मचा देगा मैन सिटी में। और भाई, ये बंदा है अर्लिंग हालैंड, जो मैनचेस्टर सिटी को अपना पहला यूसीएल दिला सकता है। जो काम अग्योरो नहीं कर पाया वो शायद ये कर सकता है, लेट्स सी। और दोस्तों, इस हैट्रिक की और ज्यादा खास बात यह है कि जो क्रिस्टल पैलेस जो है वो 2-0 से लीड कर रही थी, और उसके बाद इसने हैट्रिक मार के जिताया, और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। कभी खुशी कभी गम, इस मूवी का नाम है कभी खुशी और कभी गम। सो आपको मिलते हैं सदो प्रधान विजन के रिसोर्सेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो रंजिता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है किंडल, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, पीक ब्रिलियंस। तो गाइस, क्लासेस ओवर नाउ, अब करते हैं अपनी जो थोड़ी सी बची हुई एडिटिंग है उसको पूरी, और फिर लगाते हैं एक्सपोर्ट पे। तो गाइस, वीडियो लगा दिया एक्सपोर्ट पे। दुख मेरे जीवन का ये है कि मेरे को अच्छी चाय बनानी नहीं आती। कल मैं बुक पढ़ के यहीं भूल गया था और वो यहीं रखी हुई है, द स्टोरी ऑफ अ मैन हुम लेजेंड टर्न इनटू अ गॉड। मैं फिर से सो गया था थोड़ा, वही वापस से 1-2 घंटे का पावर नैप। तो लेकिन मैंने आज डिसाइड किया था कि आज से जिम जाऊंगा, तो मैंने उनका फोन आया था कि वो जा रहे थे, तो अब जब अगर मैंने डिसाइड किया तो नींद भी भयंकर आ रही है, लेकिन अब उठना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। चलो जिम चलते हैं, मेरे को नहीं पता आज मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा जिम में, बट चलते हैं। तो हम संडे के दिन 2 बजे आए जिम, जिसमें भी मैं आधा जगा हूँ, 1 बजे। ये जो मॉल है यहाँ पे सब कपल्स आए हैं, सब क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए हैं, और हम आए हैं संडे के दिन 2 बजे जिम। 1 बजे? हाँ, 1 बजे भाई, 1 बजे, क्या फर्क है 1 और 2 में? 12 बजे बंद हो जाता है यार, दिमाग से निकल गया। सही में एक नई कोच और हुई है, मैंने मेरी नींद ऐसी नहीं बिगाड़ी है। संडे को जिम 12 बजे बंद और हो जाता है, अब क्या होगा, शिट करने से शिट यार यही बंद है। दोस्तों, मनन
बहुत ज्यादा दुखी है। मैंने बता दो क्यों दुखी है, इसलिए नहीं दुखी है क्योंकि हम यहाँ पे आए, टाइम भी वेस्ट हुआ, पेट्रोल भी वेस्ट हुआ। ये दुखी इसलिए इसको जिम करने को नहीं मिला। कुछ लोग होते हैं ना जिनको जिम करने में मजा आता है, उनमें से है, तो ऐसा बात है, इसलिए ज्यादा दुखी है। माँ खराब कर वो सो कुछ भी कौन हो लो यार, आपने हाथ में कहीं छे बता, सब सावरिया के हाथ में थे यार, अब आपने हाथ में कहीं छे तू बता। ये बात तो सच कह रही है, कड़वा सच कह रही तूने यार। अब ये गुट ताने पीने पड़ो यार, सेंटर में वैशाली में खड़ो और तुम्हें कड़वा सच कह रही हूं भाई। ये तो तैयार हो जा रहा है, आईनॉक्स खरीद पर जा रहे हैं इसका मतलब आईनॉक्स खरीदने जा रहा है। मन नहीं चलाने, तभी तो मैं तेरे को बोल रहा था बाइक लिया। नहीं बात नहीं, मैं यहाँ भी चला लूंगा यार। तो चला तो फिर मारे मन को यार। चला ले आज, चला ले हमेशा, मैं मानता हूँ तेरी बात, आज मान ले एक बार मेरे। अरे नीच काहे का नीच, हर बार मैं ही चलाता हूँ गाड़ी। कितना सजेगा यार तू, तो कितना सजेगा। तो दोस्तों मैं और मदन आए थे बाहर कुछ खाने, मेरे को पता है कि कल मैंने बताया था कि मेरा चीट डे सैटरडे का होता है और मदन का संडे का होता है, लेकिन कल का मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बुरा था, ऐसा लग रहा था बस मैंने केमिकल्स खाए हैं। मैं बोला कि नहीं यार मैं भी चलूंगा और चीज कॉर्न शॉट खाना है मेरे को टपरी के। अरे नहीं यार, ले क्रुक फोटो खींचता हूँ तेरी। छाछ राबड़ी मजार में थोड़ा होकर गुजर हुआ यार, मार वाली बोल रहा कि इतनी दुनिया में थोड़ी ये आएगा कौन सा डेलो में बढ़ावा दे। चीयर्स। देख रहे हो ये कोई मैरिज गार्डन नहीं है, ये जयपुर के अल्ट्रा रिच सुपर रिच आदमी का घर है। घर देखना वो बना हुआ है, वो सोलर पैनल लगे ना बीच में और वो बीच में बना हुआ है, वो है वो झंडा लगा हुआ है। इसने मेरे को बोला था, चाय पे बुलाया था इसने मेरे को, मैं तो नहीं गया। बोला था कि पृथ्वी जी आप आओ, जयपुर के नंबर वन ब्लॉगर हो आप, आओ। चाय पे पीते हैं, चाय पे बैठते हैं, बातें करते हैं। मैं मना कर दिया, मैं बोला नहीं साहब मनन के साथ कब तक जाना है मेरे को। एंट्री जो है ना उस साइड से वो टॉम सा बना, क्या बोलते हैं इसको, गुम्बट, वहाँ से है शायद एंट्री। अच्छा सामने से बहुत बड़ा, सामने से गाड़े वाला कुछ नहीं दिखता। मन को बुलाया था ना हार्पिक लेके, बोला था मना ना हार्पिक लेके आ जाओ, इसको ऑन कर लेंगे। वो चालू है, आवाज किया है, हो गया देख ऑन हो गया। दोस्तों एज यूजुअल मनन चाबी भूल गया,
तो भैया पूछेंगे ऊपर, भैया ने बोल दिया हिम्मत रखो, हम पूछते हैं भैया आपको हिम्मत रखने की जगह ज्यादा है यहाँ पे, सबर रखो लिखना चाहिए। हाँ फालतू की बात नहीं, भैया तो चुप हो जाए, अगली बार से वेटिंग नहीं देंगे भैया। बहुत ज्यादा मीठी है, इतना मीठा तो मैंने आज तक कोई फ्रूट नहीं खाया। तो गाइस एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है।